नमस्कार बंधुरा, आमी देवप्रिया, देवप्रियास किचेन चैनेले आपनादेर सकल के स्वागत जानाई। आमी आबारो चले एसेछि आपनादेर साथे नतून एकटी रेसिपी शेयर करार जन्य। आर आजके आमी आपनादेर साथे शेयर करब काजुली माछेर झालेर रेसिपी। गरम भातेर साथे काजुली माछेर झाल खेते किन्तु अपूर्व सुंदर लागे। आमी एखाने 400 ग्राम काजुली माछ निये निएछि। आर काजुली माछटा मैरिनेशनेर जन्य आमी हाफ चामच नून, हाफ चामच हलुद, हाफ चामच काश्मीरी लाल लंकार गुड़ो और हाफ चामच सर्षे तेल दिए माखिए नेब। काजुली माछ अनेकेई अनेक रकम भावे करें, आपनारा के किभावे रान्नाटा करें आमाके अवश्य कमेंट्स बक्से जानाबेन। ताहले चलुन शुरू करी आमार आजकेर रेसिपि काजुली माछेर झाल। आमी एखाने एकटा बाटी निये निएछि आर बाटिते एक चामच जिरे गुड़ो, एक चामच हलुद गुड़ो, हाफ चामच काश्मीरी लाल लंकार गुड़ो, हाफ चामच शुकनो लंकार गुड़ो और एक चामच परिमाणे नून दिए सामान्य जल मिशिए आमी एटार एकटा पेस्ट तैरि करे नेब। सर्षे तेल आमी गरम करे निएछि। एखन आमी माछगुलोके एपिटोपिट भेजे नेब। आमी खूब सामान्य परिमाणे भाजब। काजुली माछ किन्तु ना भाजलेओ चले, अनेकेई भाजे ना, आमिओ किन्तु काजुली माछ सब समय भाजी ना। काजुली माछ किन्तु खूब नरम प्रकृतिर माछ, ताई भाजार समय खूब सावधाने भाजते हबे। काजुली माछेर निजस्व एकटा स्मेल थाके, बेशि भाजले किन्तु सेई स्मेलटा आर पावा जाबे ना, ताई खूब सामान्य भेजेई नामिये निते हबे। आमी एखाने काजुली माछेर तेल झाल बानानोर जन्य एकटा टमेटो आर चारटे काँचा लंका सेद्ध करे निच्छि। एटा सेद्ध करे आमी बेटे नेब। काजुली माछेर झाल रान्नाते आमी टमेटो और काँचा लंकाटाके एइभाबे सेद्ध करे बेटेई तारपर व्यवहार करी। आपनाराओ ट्राई करे देखबेन। आशा करछि आपनादेरओ एइभाबे रान्ना करले किन्तु खेते खूबई भालो लागबे। एखाने आमार सेद्ध करा टमेटो और काँचा लंका पेस्ट होये गेछे। आर आमी जे मशलाटा आगे थेके जले गुले तैरि करे रेखेछिलाम सेई मशलाटाओ आमी एकसंगे दिये एकबार पेस्ट करे नेब। कड़ाइए सर्षे तेल गरम करे निएछि आर एखाने आमी दुटो मीडियम साइजेर आलुर टुकरो करे दिलाम। एखाने आमी आलुटाके आगेर थेके नून हलुद माखिए राखिनि। एखोनी आमी हाफ चामच हलुद और हाफ चामच नून दिए आलुटाके भेजे निच्छि। आलुगुलोके आमी 70% मतन फ्राई करे नेब। एरपर झोले फुटेओ किन्तु आलू किछुटा सेद्ध हबे, ताई आमी आलु पुरोपुरि भाजबो ना। 70% मतन भाजा होये गेलेई आमी आलु नामिये नेब। आमार आलू भाजा होये गेछे, एखन आमी आलुगुलोके तुले निच्छि। आलू भाजार अवशिष्ट तेलेर मध्येई आमी बेगुन भेजे नेब। एखाने आमी एकटा मीडियम साइजेर बेगुन टुकरो करे निएछि। बेगुनेओ आमी आगेर थेके नून हलुद माखिए निइनि। आमी एखनी भाजार समय परिमाण मतो नून ओ हलुद दिए नेब। एखाने हाफ चामच नून ओ हाफ चामच परिमाणे हलुद दिए बेगुनगुलोके आमी भेजे निच्छि। बेगुन भाजार समयतेओ किन्तु आमी बेगुन खूब बेशी भाजबो ना। देखुन आमार बेगुन किन्तु एकटु डाशु डाशु रयेछे, एई समयतेई आमी बेगुनगुलोके नामिये नेब। एर थेके बेशी बेगुन भाजले बेगुन किन्तु गले जेते पारे। एइखाने आमी दिये दिच्छि 1/4 चामच कालो जिरे। कालो जिरेटा हल्का फ्राई करे निये दिये देब 4 चेरा काँचा लंका। एखन आगेर थेके आमी जे मशलार पेस्टटा तैरि करे रेखेछिलाम सेई पेस्टटा दिये देब। 3-4 मिनिट समय निये एई मशलाटाके आमी कषिये नेब। একটা মিডিয়াম সাইজের টমেটোকে আমি 4 টুকরো করে নিয়েছিলাম। এখন সেই টমেটোটা দিয়ে আরও 3 মিনিট কষিয়ে আমি এইখানে হাফ কাপ পরিমাণে জল দিলাম। আরও কিছু সময় নাড়াচাড়া করে টমেটোটা সেদ্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তারপর আপনারা যেরকম ঝোল রাখতে চান সেই অনুযায়ী ঝোল দিয়ে ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে 3 মিনিটের জন্য চাপা ঢাকনা দিয়ে ঝোলটাকে ফুটে যেতে দেব। 3 মিনিট হয়ে গেছে আর দেখতেই পাচ্ছেন যে আমার ঝোলও কিন্তু ভালোভাবে ফুটে গেছে। এখানে আমি এখন ভেজে রাখা বেগুনগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি ভেজে রাখা মাছগুলোকেও এইভাবেই দিয়ে দেব। আপনারা যদি কাঁচা মাছ ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু মাছটা কাঁচা অবস্থাতে এই সময়তেই দিয়ে দিতে হবে। ব্যাস রেডি আমার আজকের রেসিপি কাজুলি মাছের ঝাল। আপনাদের যদি আমার আজকের এই রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন, কমেন্টসে আপনাদের মতামত জানাবেন। আর আমার চ্যানেলে আপনারা যদি নতুন হন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল করে নেবেন, যাতে আমার পরবর্তী রেসিপি ভিডিও নোটিফিকেশন আপনারা পেয়ে যান। আর আমার সম্পূর্ণ রেসিপি ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সকলকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কোনো রেসিপির সঙ্গে।